गुड मॉर्निंग गाइस, सबको गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग हो चुकी है और मेरे एक्सपीरियंस पे कहाँ खुल रहा है भाई? मेरे ख्याल से अराउंड प्लस में खुलेगा, 100 प्लस में 100 पॉइंट के आसपास खुल रहा है। तो देखते हैं भाई, मार्केट जहाँ तक गैप अप होगा वो भी थोड़ा बहुत अभी होगा, जितना भी होगा निफ्टी फिर निफ्टी। हम तो फिर निफ्टी में काम करेंगे मॉर्निंग में, वो तो तुम भी करोगे, बाकी देखते हैं क्या क्या होगा। मैं तो अभी 8:30 बजे उठा, 15 मिनट में जल्दी से साढ़े 8 बजे। अरे भाई कल रात में लेट भाई, सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो कई कई बंदे तो 9 बजे उठ रहे होंगे। अजय को देखो ना, 9 बजे कोई तैयारी नहीं होती, बस बुरे जोर खुल्ला होता है। अजय को देखो ना, 9 बजे सो के उठेगा, अब सवाल होता है यहाँ पे नाश्ता भी नहीं होगा, सीधा खाना होगा 4 बजे घर पे, 3-4 बजे ही खाना होगा। पहले कोई मेरे बस की तो नहीं है, मैं तो 6 बजे उठ गया था भाई। भाई तो आज ट्राई करेंगे निफ्टी, पहले तो फिर निफ्टी में मॉर्निंग के सेशन में लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, जिससे कि 10-15 हज़ार ही प्रॉफिट आ जाए। वही तो पहुंच गए हैं फ्लैट के सामने, अब पहुंचते हैं अंदर, देखते हैं सब आए होंगे, सबसे मिलते हैं, उनका टारगेट और आपको भी बताते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो नहीं था कल हम सब लॉस में गए, सब हम ही प्रॉफिट में गए, तो आज सब प्रॉफिट में जाए और सिर्फ हम ही लॉस में जाए। उम्मीद भाई हो सकता है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई आज, सच बात बता रहा हूँ। एक यही दुख नहीं झेलना था जो तुमने मुझे बता दिया भाई, जो है उम्मीद है आज मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, जो हमारा रिस्क है रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। हाँ बिल्कुल, ट्राई करेंगे यार, लॉस ना हो, है ना। और सब आ चुके हैं तेजेंद्र भाई, है कल बहुत बड़ा लॉस हो गया, 3,000 रुपीज का। नहीं, 3,000 बट लिमिट में, बड़ा हाँ बड़ा तो है लिमिट में। अरे मजा, एक ही दिन में रिकवर करते 5,000 के प्रॉफिट निकाल। इसी नोट पे आज का मेरा टारगेट 5,000 है। जब से हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है तब तक सिर्फ एक ही बंदा है जिनका आउट ऑफ लिमिट लॉस गया था, वो जेपी। मैंने भाई हमारे तो गया था, हमारा ही गया था उस दिन, गलती भी थी भाई, मैंने भी नहीं रोका है ना, उस दिन गलती थी तभी आउट ऑफ लिमिट चला गया। 18,000 रुपया मैं क्लोज भी कर रहा था, काफी देर तक बैठे हुए थे हम लोग, ठीक है ना, ऊपर से एक्सपायरी थी, प्रीमियम बढ़ा हुआ मिला था, बंदे की एक्सपेक्टेशन की होती है आज तक एक्सपायरी टूटेगा थोड़ा सा, लेकिन यही हुआ था। तो आ गए अंकित भाई भी आ गए और मरीज भाई भी आ गए। हाँ सब भाई, तो गाइस आ गए दोबारा से, उम्मीद में कि आज प्रॉफिट होगा। आज प्रॉफिट आ रहा है, आज होगा यार, कोशिश करेंगे जरूर होगा, नहीं होगा भाई तमाशा देखने, देखते हैं क्या होता है। मार्केट तो अभी प्री ओपनिंग ही हुई है, 3 मिनट बचे हैं, पूरी ओपनिंग खत्म हो जाएगी, तो लेट्स सी कितने, अभी तो ऊपरी ओपन हो रही है, क्या होता है पता चलेगा। अभी टारगेट कितने कितने टारगेट रख रहे हो भाई सुबह मनीष भाई? आज रहेगा 2,500। 2,500 हाँ, 2,500-3,000। और आपका कितने? 5,000। 5,000 मेरा भाई, 2,500-3,000 कराऊंगे बस। ओमवीर हमारा भी रहेगा 40,000-50,000 तक बोल रहे आज। और जेपी आप बताओ, मैं बताऊँ ज्यादा नहीं, 15,000-20,000 का ही रहेगा। कुछ भी हो, साम दंड भेद जो भी करना पड़े, 20,000 करेंगे। 10,000 अगर 10 बजे से पहले हो गया 10,000, तो जितनी क्वांटिटी करते हैं उसकी हाफ से भी कम कर देंगे। हाफ से भी कम, ठीक है ना। और सेकंड सेशन में फिर पूरा एफर्ट डालेंगे और फिर 10 से 15 हाफ से भी कम में हो जाता है इजीली तरीके से गाइस। तो स्टार्टिंग में बस आई विश कि हमें प्रॉफिट प्रॉफिट आ जाए, है ना उमेर भाई? अच्छी ट्रेड में आ जाएगा। और तुम कितने पे बंद करोगे फर्स्ट सेशन? 25,000-30,000 क्योंकि 25,000-50,000 कमा रहे हैं, 25 मॉर्निंग 25 इवनिंग, ठीक है, उसके बाद बंद पक्का। हाँ उसके बाद बंद, ठीक है भाई। चलो तेजेंद्र भाई सर, आप लोग भी ये कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट आने के बाद कम लॉट में। अच्छा, जीपी और मैं हमेशा ये करते हैं, जीपी और मैं रोज करते हैं ना, रोज करते हैं हम लोग, क्यों बचता है हमारा प्रॉफिट, रोज यही करते हैं। आधे से भी कम क्वांटिटी हो जाती है, आधे से भी कम रोज करते हैं हम। हमने एक बार रूल बना रखा है खुद, अब क्या है मन करता है करो अच्छे प्रॉफिट आने के बाद, फिर हम आधे से कम कर लेते हैं, खुजली में मिट जाती है। और ऐसी बात नहीं, उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें टारगेट वही है, लेकिन हमारा पॉइंट्स की कैप्चर करने की क्वांटिटी थोड़ी सी, हाँ उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, ओके, तो 15 भी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग को, कोई नहीं इसी में कमा लेंगे 15 लॉट में 20,000 करें।
जनरल लोट में 20,000 करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉल में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। लगाओ जीपीएसएल टारगेट, लगाते हैं 20 का टारगेट लगा रहा हूँ मैं। 42-40 रख दो ऐसे, 41 रखो बताओ। 40 ही रखो यार, 40 का देखा वो कैसे बढ़ गई। 36 हो गई लेकिन ये रैली यार, 37-40 का ऐसे रखा हुआ है। 39 उसे बता रहे हैं, मार्केट ही निकालना पड़ेगा। 37 हो गए तो देखते रहो, निकाल दूँ क्या इसको। कॉल को तो निकाली वो पुट को, भाई से लगा दो 180 लगा देते हैं ना, ठीक है। ये ऐसा लगा दो, ऐसे कहाँ लगाया? हाँ कॉल का ऐसे लगे, वो भी टूटी है पुट का तो। हाँ वही पुट का तो दूर वाला है। अच्छा वो जो स्टैंप लगाया था वो कर दी दूसरी वाली। करनी नहीं चाहिए थी क्या? उसमें प्रीमियम बढ़े तो बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक फिन निफ्टी में कुछ नहीं बढ़ रहा होगा। चलो डाल देते हैं, किंगल हो जाएंगे। पुट का असल 35-30 ही कर देता हूँ उसका। कॉल में डालो, मैं पुट में डाल लूँगा। हाँ कर दो। 16 3 ऐसे लेट हो गया इतनी जल्दी? तुम तो कह रहे थे लंबा लॉस हो गया। लंबा नहीं, अभी नहीं, इस वाली में लंबा नहीं, अगली। 25 पॉइंट का एसएल तो नहीं गया होगा कॉल में। कितने वाली करी थी? पर जा सकती है और मार्केट यार। किसका टारगेट है? बाजी ने करी होगी 153 पे करी थी। अच्छा फिर कितने में निकाली? 78 पे निकाली। अच्छा दोनों चलेंगे, जाएगी वो मार्केट के ऊपर जा रही है। लड़ नहीं सकते, ऊपर जाएगी मार्केट यार, फायदा नहीं है कुछ करके। अभी 19,350 का है, खड़ी हुई है वहीं पे ही। निकाल दो तुम्हें ठीक लगे तो भाई सर क्या करेंगे, कैंसिल रख देंगे। अरे ऊपर जीरो कराने के लिए यार, अभी इधर का अभी क्लियर हो जाए ना तो एकदम क्लियर हो जाए, उधर रेजिस्टेंस ना हो बस। 44,800 तक क्या पता चली जाए। 43,800 चल रही है। टाइस कैसे लगते हैं ना? हो गई क्या? ठीक ना? नहीं हुई। हो गई लो। रखो। कितना? 27। छोड़ दो अभी। मैं छोड़ दे बस, हम इसे छोड़ देंगे। अजय भी भाई शॉर्ट करिए कॉल पुट जी भी, हमें छोड़ दे तो हम इसे छोड़ देंगे। 20 आ जाए तो 25 ही कर दूंगा। ऑर्डर लूं फटाफट या रुको छोड़ दे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जा, कोई फायदा नहीं मेरा। बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयर्स सही नहीं यार, ओमी प्रीमियम नहीं है भाई, मैं क्या करूं? सिंगल के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता मैं, प्रॉफिट ही नहीं आएगा। वी कैन अंडरस्टैंड, जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो मैं कर ही क्यों रहा हूं? फिर निफ्टी में देखते हैं, कम से कम इसे जीरो करा दूंगा तो आ जाएंगे 12,000 रुपए। हैं जी भी भाई, कोई करे कि छोटी कॉल? छोटी 15 वाली कर दूँगा, मार दो जैसे जीरो करवाएं। बता यार जीपी तो
जीरो रहने, इसे ही करवा दें मैं जीरो, क्या पता लगे छोटे वाले का ही होगा बड़े। ठीक है चलो बंद करो, बंद कर ले ही लिया है, जब खड़ी डंडी ले ही ली है तो ले ही लो। दो पॉइंट का एसएल है, 25 पे मारी थी, इसे ही जीरो करवा ले। ठीक है जीपी तुम्हारे 12,000 ऐसे ही करवा देंगे। भाई जो दो भी तो ले जाएगी ना वो 10 भी ले जाएगी, कम ही चांस होंगे, ज्यादातर ले जाएगी, जिसको देना होगा वो दो में भी दे जाएगी। जब मुड़नी होगी ना तो वो दो से ही मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी तो फिर वो 10 तक भी जाएगी। गाइस टाइम हो रहा है 10 बज गए और आज कोई भी स्टेडल ज्यादा बना नहीं रहा है, सब बैठे हुए हैं आराम से क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज्यादा डिके हो रखा है। स्टेडल की जगह हमने जेपी के में तो ये कर दिया है कि 25 की ये मार दी थी शॉट अराउंड 25 पे ये पुट, और जीरो कराने का फोकस है मेन, स्टेडल स्ट्रैंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रीमियम इतना कम है। और ऐसे लग दिया 27 रुपये का जो कि अभी ट्रेल कर लेंगे और देखते हैं ये जीरो होती है कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा है ना। तो आज सब बैठे हुए लेट्स सी कितनी देर में 11 बजे तक देखते हैं किस किस का कितना होता है और फिर बताते हैं। इस टाइम हो गया है 10:48 और पता करते हैं सबको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तेजेंद्र भाई। मेरा यार वो क्या कहते हैं 2500 का लॉस चल रहा है, थोड़ी मार्केट ऐसी वैसी चली थी तो। अच्छा तेजेंद्र भाई आप बोलते थे 9-16 पे मेरा हमेशा प्रॉफिट होता है, तो अब क्या एक्सपीरियंस है आपका 9-16 का? अभी ठीक ठीक है बट 2 दिन से लगातार लॉस हो रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। तो मतलब ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, टाइम उम्मीद कोई भी होता नहीं है, मार्केट टाइम ऐसा नहीं है कि एक टाइम प्रॉफिट वाला होता है, मार्केट चेंज होती है। मुझे ऐसा लगता है सुबह डीके थोड़ा सा तो देगा देगा थोड़ा सा, नहीं मार्केट अभी अभी अच्छा। अभी प्रीमियम कम होने की वजह से ना मॉर्निंग में प्रॉफिट बहुत निकालना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। या तो आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले लो नेकेड, उसमें निकल जाएगा इजीली, लेकिन हेज में निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ। जिसकी वजह से हम सबके ज्यादातर तो जो प्रॉफिट है ना मॉर्निंग में नहीं आ रहे, इवनिंग में आ रहे। और अगर यही प्रीमियम ज्यादा हो तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, 9-16 पे इतना ज्यादा दिखेगा बहुत ज्यादा। बात टाइम की नहीं है, बात है प्रीमियम की, मार्केट के चलने के स्ट्रक्चर की, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मत सोचो कि एक टाइम प्रॉफिटेबल होता है, मार्केट चेंज होते है, कभी 12 बजे होता है जो पक्का प्रॉफिट निकलता है ना अमवीर, अभी 11 बजे है वो टाइम बिल्कुल। तो और जेपी तुम्हारा कितना चल रहा है? मेरा लगभग 10,000 ही चल रहा है भाई। 10,000 तो अभी जेपी के मैं ये 25 पे मारी थी तो इसका 20 का एसएल कर लिया ट्रेल करके, पहले 27 था 25 पे मारते टाइम, अब 20 का कर लिया, देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सब एक्सेप्ट कर लेंगे और सही है इतना 10,000 का प्रॉफिट है ना। और अमवीर तुम्हारा कितना चल रहा है? सभी चल रहा है, शुरुआत आज माइनस से हुई है क्योंकि हेजिंग करी थी अभी। हाँ 12,000 माइनस चल रहा है। और एक बाइंग वाले यार अमवीर ऑर्डर रह गया था यार वो, हाँ वो उसकी वजह से ही हुआ है लॉस। मतलब कितने पॉइंट चले गए? 20 कितने उसमें शायद कितने 15-16 पॉइंट गए हैं। कितने लॉट थे उसकी वजह से? 20 लॉट थे। 20 लॉट थे, थे तो पूरे 36 लेकिन निकला बाय 20 हुए थे अलग रेट पे, अपने आप ही ऑर्डर कैंसिल करना भूल गए थे। 17 पॉइंट गए तो 8-9,000 ना, क्योंकि हमने देखा वो देखने के बाद लॉस जब बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तब पता चला कि हमने कुछ बाय ऑर्डर गलती से आ गया, तो उसकी वजह से लॉस हुआ। तो चल के अब देखते हैं सुबह मनीष का कितना हुआ है। ठीक है गाइस तो पहले अंकित का देखते हैं। अंकित क्वेश्चन बनाई कुछ आज? भाई मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो अच्छा है, हेजिंग नहीं मार्केट में प्रीमियम इतना कम है ना तो मेरे को ठीक नहीं लगा बनाना, इसलिए मैं देखूंगा 2 बजे या 1 बजे के बाद। ठीक है बाकी देख के आते हैं। और भाई कितना हो गया? कुछ नहीं आज ट्रेड ही आज ट्रेड ही ली हमने इवनिंग के बाद इवनिंग में लेंगे। ठीक है इवनिंग के बाद बहुत कम है तो कम टूट रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है तो अच्छा है नहीं ली। ठीक है गाइस तो देखते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:51 है ना, 10:51 हो रहे हैं, देखते हैं 12 बजे तक लोगों को कितना कितना प्रॉफिट होता है सबको। ठीक है तो गाइस 3:30 बज चुके हैं, सबकी ट्रेडिंग फिनिश हो गई है, देखते हैं किस किस को लॉस या प्रॉफिट है फिर निफ्ट। और एक और चीज बतानी चाहूंगा, निफ्टी बैंक में उम्मीद एंड में बहुत ज्यादा प्रीमियम है ना, प्रीमियम भाई बहुत ज्यादा। ठीक है हमारे तो 50 लॉट थे पूरा, मतलब जो मॉर्निंग में लॉस हो गया था ना मुझे तो वो रिकवर हो चुका था, ऑलमोस्ट 5-6,000 रुपए प्रॉफिट में थे, बट वही इवनिंग सेशन की ट्रेड जो 3 बजे लेते हैं हम वो लिए 50 लॉट में पूरे भर के लॉट, उसके बाद प्रीमियम पूरा बढ़ गया, लॉस हो गया ऑलमोस्ट सभी को लॉस हो गया हमें फिर से वही। तो स्टार्ट करते हैं कितना हो गया लॉस? मेरे को तो भाई हो गया है 28-30,000 के आसपास मान के चलो। ठीक है वो भी बिल्कुल एंड में हुआ है,
प्रीमियम 50 स्लॉट के अंदर अंदर 25 पॉइंट बढ़ गए यार हूं, तो ये 28-30 हज़ार का लॉस हो गया है जो कि बहुत ही खराब हुआ है। कोई नहीं, बट रिकवर हो जाएगा। अभी दो दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये दो दिन काफी अच्छा हो सकता है, जो हमारे सेलर के लिए होते ही होंगे भाई। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वही तो जेपी का देखते हैं। जेपी को हो गया अराउंड 12,500, ज्यादा नहीं है, 12,500 के करीबन हो गया है। और जेपी का सुबह सुबह जब प्रीमियम देखा था तो मना ही कर दी थी मैंने कि जेपी भाई हेजिंग नहीं करेंगे, सिंगल शॉट मारे थे और पुट शॉट कर दी थी, और पुट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकल गया। फिर एक दो जगह हेज बनाई जिसकी वजह से ये 12,500 हुआ है, वरना अगर रुके रहते तो शायद 15 तक हो जाता है ना। बट हैजिंग की आज मार्केट थी नहीं उस तरीके से, मतलब हमारे लिए तो नहीं थी हैजिंग के जिस तरीके से हम बनाते हैं भाई, किसी को है ना भाई, नहीं मिला मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, है ना, एक भी पॉइंट नहीं हुआ पहली बार जिन्होंने हैज कर रखे हैं चलता, और जो जिन्होंने थोड़ा बहुत कमाया भी होगा ना, उन्होंने के बाद प्रीमियम बढ़ाया ना 25-30 पॉइंट करीबन, हां जो टूटा था थोड़ा बहुत भी टूटा वो लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं आज तो, कुछ नहीं मिला भाई। और आपका तेजेंद्र भाई कितना हो गया? मेरा यार 3,000 रुपीज का लॉस हो गया, आज सेकंड डे है जो लगातार लॉस हुआ, बाकी देखते हैं क्या होगा। हाँ ये सेकंड डे हमारा भी। और ये शुभम भाई का ये हो गया अराउंड 600 रुपए का प्रॉफिट है इनका, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, 700 रुपए, 600, हाँ वही 6 रुपए का, 700 रुपए का, ठीक है गाइस, तो 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया है जो कि बहुत अच्छा। और ये अंकित का है, अंकित का हो गया 1,000 का लॉस, जो कि देखते हैं कल रिकवर हो जाएगा बहुत इजीली, कम ही लॉस है, ज्यादा नहीं है कल। अभी एक एक 3,000 के तुम्हारे दो दिन तो आने चाहिए, है ना उमीर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे 50,000 के दो दिन तो आने चाहिए, आज नहीं आ पाया 50,000 लॉस उल्टा हो गया। और ट्राई करेंगे जेपी के अकाउंट में तो छोटा सा ही प्रॉफिट हो जाए, 10,000 का, वो भी चलेगा, है ना। तो ठीक है गाइस, निकलते बंद कर दे, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट कर दो जो भी कुछ बताना हो आपको, ठीक है।